जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा कि आजादी के इतने साल के बाद भी देश भारत के सारे फ्लाइंग स्कूल इंपोर्टेड एविएशन फ्यूल पर डिपेंडेंट थे। आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा, इन स्कूल्स में छोटे एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है, जेट फ्यूल के बदले एविएशन गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इस फ्यूल का इम्पोर्ट पूरी तरीके से अमेरिका से किया जाता था। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पिछले सालों तक ये एविएशन गैसोलीन अमेरिका की तुलना में भारत में 3 गुना दामों पर बिकती, लेकिन पिछले साल ही इस गैस के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कमान संभाल ली और पिछले साल सितंबर महीने में इस ईवी गैस को भारतीय सभी एविएशन स्कूल के लिए लॉन्च कर दिया गया। पिछले साल से ही इंडियन ऑयल के गुजरात में स्थित प्लांट में इस गैस का 1500 से 2000 मीट्रिक टन ईवी फ्यूल का प्रोडक्शन चालू करा जा चुका है। और इस कदम से न सिर्फ ईवी गैस की शॉर्टेज कम हो गई है, बल्कि फ्लाइंग स्कूलों को भी काफी ज्यादा राहत मिली है। और इसी कड़ी में आज ध्यान दीजिए कि इस ईवी गैस का भारत एक्सपोर्ट भी चालू कर चुका है। भारत ने एविएशन फ्यूल का एक्सपोर्ट पापुआ न्यू गिनी को किया है। एक्सपोर्ट हुए इस पहले कंसाइनमेंट में 16,000 लीटर ईवी गैस इस देश को एक्सपोर्ट की जा चुकी है, जिस फ्यूल को लेकर अमेरिका समेत कुछ बड़े देश पूरे मार्केट पर राज करते थे। भारत ने इस मार्केट में एंट्री मार ली है। इस गैस को भारत में बनाने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस फ्यूल का इस्तेमाल अपने यूएई में भारी मात्रा में करती है और कभी युद्ध के दौरान इस बात का फायदा कोई तीसरा देश उठा सकता है। कम कीमत में बनी इस ईवी गैस की मदद से अब पायलटों की ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा कीमतों को लेकर काफी ज्यादा फर्क देखा जा सकता है। और दोस्तों, इसमें मजे की बात यह है, आशंका ये जताई जा रही है कि भारत के पड़ोसी देश भी यूनाइटेड स्टेट्स से इस फ्यूल को ना मंगाकर भारत से इंपोर्ट कर सकते हैं और इससे भी भारत अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री 25% की दर से हर साल बढ़ रही है और 2030 तक अकेले भारत की ड्रोन इंडस्ट्री 2,00,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। और इनके कंपोनेंट के साथ इनके फ्यूल का भी इंडियनाइजेशन करना बहुत जरूरी था। कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए, आपकी इस खबर के ऊपर क्या राय है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।